हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए आलू सोयाबीन से बनने वाली रसीली सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे पूरी, पराठा, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सभी के साथ सब्जी का स्वाद सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। हम इसे घर में कम मसालों से तैयार करेंगे, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप सोया चंक्स, 4 मीडियम साइज के बॉईल आलू लेंगे। हाथों से मैंने यहाँ तोड़ लिया है। सोया चंक्स को हम 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। सोया चंक्स को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए सोक करने रख देंगे। 5 मिनट हो गया है, सोयाबीन हमारा अच्छे तरह पानी में फूल गया है। सोयाबीन या सोया चंक्स का पानी हम इस तरह हाथों से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए हम इस आप भी इस तरह इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। देखिए, हमने सारे सोया चंक्स के एक्स्ट्रा पानी को निकाल लिया है और सोयाबीन को अलग कर लिया। हम सब्जी बनाएंगे इसका। सोयाबीन आलू का सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को चम्मच से अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें बॉइल आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करके हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू को हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इस तरह आलू को भूनने से आलू का कच्चापन हट जाता है और सब्जी में अच्छा फ्लेवर आता है। आलू भुन गया है, आलू को निकाल लेंगे कढ़ाई से। ये देखिए, आलू को हमने निकाल लिया है। हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हमने 3 चम्मच ऑयल लिया है। जीरा ऐड करेंगे। हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 चक्रीफूल के पीस। गरम मसाला तेल में अच्छे से पक गया है। हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 1 कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को डार्क कलर आने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज में जल्दी कलर आने के लिए हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके प्याज भूनने से प्याज हमारा जल्दी गल जाएगा। प्याज हमारा भून गया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसे भी मिला लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन गया है। यहाँ हमने 1 टमाटर को घिस लिया है। घिसा हुआ टमाटर हम ऐड करेंगे। टमाटर को मिला लेंगे।
हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसाले ऐड करके हम मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी को हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। 2 मिनट हो गया है, मसाले भुन गए हैं। हम ग्रेवी में पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसमें 2 कप गर्म पानी ऐड करें। ग्रेवी को मिला लेंगे। आप भी सोयाबीन आलू की सब्जी में गर्म पानी ऐड करेंगे तो सब्जी हमारा जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। पानी हमारा अच्छे से ग्रेवी के साथ पक गया है, सोयाबीन ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करके सभी को अच्छे तरह मिला लेंगे। सब्जी को अच्छी तरह मिलाकर सब्जी को ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, हम सब्जी को चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर रेडी है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सब्जी में हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से सब्जी बनके तैयार हुई है। आप भी अपने घर में इसी तरह आलू सोयाबीन की सब्जी बनाएं। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू सोयाबीन की सब्जी रसीली बनके तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह अपने घर में बनाएं, सभी को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।